अगर अभी हाल ही में आपने अपना न्यू आधार कार्ड अप्लाई करवाया है या उसमें कोई भी संशोधन करवाया है तो उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक स्लिप मिली होगी। उसमें आपको एक रिसिप्ट में नंबर मिला होगा और उसमें एक डेट डाली होगी। वो डेट और टाइम डाल के और रिसिप्ट नंबर डाल के आपको अपना स्टेटस पता हो जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पे से साइन इन करना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं गेट आधार का ऑप्शन आता है, उसके नीचे अपडेट आधार का ऑप्शन आता है, इसी में आ जाता है चेक आधार अपडेट स्टेटस। तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं अब आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इस पे ऊपर स्क्रॉल करना होगा। आपको यहाँ पे 14 अंकों का ये अंक डालना पड़ेगा। जब आपने इंटर इनरोलमेंट आईडी ये होती है जो आपके पास स्लिप होगी जो ऊपर दिख रही है आपको, इसमें जो 14 अंकों का बना अंक है आपको इसी में डालना होगा। तो आप जब अपना आधार करेक्शन या रिन्यू अप्लाई कराने के लिए गए होंगे तो आपको एक स्लिप मिली होगी, उसमें ये 14 अंकों का एक ईआईडी नंबर होगा, आपको यहाँ पे डालना होगा। और एक टाइमिंग के लिए यहाँ पे टाइमिंग उसमें साइड में लिखी होती है, आपको यहाँ पे डालना होगा जैसे यह स्लिप में आप देख सकते हैं ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि यहाँ से आपने देखा मैंने ये नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैलेंडर का ऑप्शन आता है टाइमिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। पहली बार कैलेंडर आता है पहले बार, उसके बाद आपकी जिस टाइम पे जिस भी डेट पे आपका संशोधन हुआ है वहाँ पे स्लिप में लिखी होती है उसको यहाँ से क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अपना टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें 12 टाइम है तो मैं 12 कर देता हूँ। यहाँ से आपको अप डाउन नीचे करके जो है इसको ऊपर नीचे कर लेना होगा कम ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कम कर देता हूँ, ये मेरा 38। उसके बाद यहाँ से इसको कम कर देता हूँ, ये मेरा टाइम और डेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ RA54 की, यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद चेक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर आधार इज़ जनरेटेड, मतलब कि मैंने कल आधार के लिए अप्लाई किया था करेक्शन के लिए। उसके बाद आज मैंने जैसे ही दोपहर में या सुबह ही कहें चेक किया मैंने, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार इज़ जनरेटेड ये आपको शो कर रहा है। इसका मतलब आपका आधार जो है अपडेट हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक SMS आ जाता है जैसे कि यहाँ पे साइड में आपने देख रखा है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। वोटर कार्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। गाड़ी में नंबर प्लेट फिट अप्लाई करने के लिए हाई सिक्योरिटी वाली वो भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाकर जरूर आप चेक करें, आपको कोई भी हेल्पफुल वीडियो मिले तो आप उसे जरूर देखें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।